सेल्फ फ्रेम करके एक नया प्रोजेक्ट है जो अभी 2 दिन में लॉन्च होगा। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है टेक्निकली और इट रिक्वायर्स ए नॉलेज ऑफ इंक्रिप्शन। अभी ये लोग बोल रहे हैं पोस्ट क्वांटम प्रोटेक्टेड है, मतलब क्वांटम कंप्यूटर्स उसका इंक्रिप्शन ब्रेक नहीं कर सकते। तो क्वांटम कंप्यूटर्स अभी है नहीं, तो शॉर्क कुछ एल्गोरिदम्स है, थियोरेटिकली दे कैन ब्रेक द इंक्रिप्शन ऑफ एसिमेट्रिक कीज, ऐसा है। तो वो कैसे करते हैं, वो इंक्रिप्शन लेवल पे अंडरस्टैंडिंग रहेगा, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा मैथमेटिक्स है और मतलब अल्गोरिदम्स थोड़े समझने चाहिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स हाउ आर दे एबल टू डू इट। तो सेल फ्रेम सेम टू सेम पल्को डॉट जैसा ही दिख रहा है, मेन चेन रहेगा, कोर चेन, और सेल चेन पे सर्विसेज बनेंगी, बहुत सारे सेल चेन्स रहेंगे सर्विस ओरिएंटेड और उस पर बहुत सारी सर्विसेज बनेगी। तो सेम ये इथेरियम 2.0 और पल्कोडॉट जैसा ही है। और ये लोग अभी केल करके एक डिसेंट्रलाइज वीपीएन का सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आई थिंक इट्स गुड टू इन्वेस्ट, क्योंकि पल्कोडॉट जैसे प्रोजेक्ट्स, पल्कोडॉट इज गोइंग टू बी ह्यूज, उसके जैसा कुसामा, तो इसमें प्राइस अप्रिसिएशन का स्कोप है बिकॉज ऑफ द टेक। और इसका टीम भी देखना पड़ेगा, अभी मेनलेट तो लॉन्च कर ही रहे, तो मीन्स दे हैव द टेक्नोलॉजी, सो इन्वेस्टमेंट करना विल बी गुड, क्योंकि दीज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हैव पोटेंशियल, इंडस्ट्रियल लेवल स्केलेबिलिटी रहेगा सर्विसेज को, ऐसा ये लोग का कहना है। तो एक्चुअली काफ़ी सारा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है, इट इज़ हार्ड टू कीप ए ट्रैक और टैब ऑन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन को समझता है ही कैनॉट अंडरस्टैंड पोल्कोडॉट, इथेरियम, इथेरियम 1.0 ही कैन अंडरस्टैंड बिकॉज द सेम थ्योरी एक्सेप्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ही कैनॉट अंडरस्टैंड पोल्कोडॉट, ईओएस, क्योंकि टेक्निकली बहुत बहुत डिफरेंस है उसमें। लेकिन सेल फ्रेम लगभग पल्कोडॉट ही है, सिर्फ नया ब्लॉकचेन है और पोटेंशियल है इसमें प्राइस अप्रिसिएशन का, क्योंकि मेननेट 2 दिन में लॉन्च हो रहा है, दैट मीन्स दे हैव द टेक्निकल कैपेबिलिटी, काफी टाइम से काम चलता रहेगा। तो अभी देखना पड़ेगा किधर लिस्ट होता है, देन वी कैन बाय।